Our today topic name is playing with number, and this is in class 8. ये उन बच्चों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जो पजल लवर है, जिनको पजल बहुत पसंद होती हैं, उनका ये फेवरेट टॉपिक है, राइट? और इसमें बेसिकली हम पजल्स के बारे में ही ज्यादा बात करते हैं, और एवरीवन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस. तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ नंबर बताऊंगा कैसे बनते हैं, फिर डिजिट रिवर्स करने वाला सेकंड कंसेप्ट आ जाएगी, और मैंने खुद बोला पजल्स के बारे में इस बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट आता है डीकोडिंग कोडिंग, देखते हैं अब कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला स्टेप है कि जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ाता हूं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन हमारी जो एक्सरसाइज का ना वो जनरल फॉर्म का है. क्वेश्चन क्या कहता है जनरल फॉर्म में, देखिए टू डिजिट नंबर बनते कैसे. आई होप एवरीवन नो कि ये वंस प्लेस है, भाई सेवन जो है इसको वंस प्लेस कहते हैं, और जो फाइव जहां पे आया है इसको टेंस प्लेस कहते हैं. तो नंबर फॉर्मेशन ऐसे होता है, जो टेंस प्लेस में है उसको टेन से मल्टीप्लाई करो, यानी कि फाइव को करा, जो वंस प्लेस पे है उसको वन से मल्टीप्लाई करो, ये 57 बना. अगर मैं आपको कहूं कि भाई इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे 83 की, तो हम क्या करेंगे, एट टेंस प्लेस पे आया ना तो एट को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, और थ्री वंस पे आया है तो थ्री को वन से करेंगे. आई होप ये इजी है. देखिए थ्री डिजिट के केस में करेंगे सेम है, बस एक डिजिट है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड है, तो इसमें एक एडिशनल हो जाता है, हंड्रेड प्लेस वाले डिजिट को हंड्रेड से मल्टीप्लाई प्लस का साइन, टेंस प्लेस वाले डिजिट को टेन से मल्टीप्लाई, और जो वंस प्लेस का डिजिट है वो वन से मल्टीप्लाई. जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आंसर तो वही आएगा, यानी कि 800 प्लस 50 प्लस 2, तो आंसर विल बी द सेम, ऐसा नहीं कि इसमें डिफरेंट होगा, लेकिन इसको कहते हैं जनरल फॉर्म. देखिए पहला ही क्वेश्चन है, ये हमें कह रहे हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखिए. मैं इसमें एक कर देता हूं, बाकी आपके जो है वो होमवर्क होगा या क्लास वर्क. तो सबसे पहले यही ले लेता हूं सी वाला, 200 प्लेस पे है, 2 को 100 से कर, लिख लीजिए आप, 271 को कर रहा हूं मैं, तो 100 से मल्टीप्लाई किया. 7 टेंस प्लेस पे है तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लेस पे ही है तो ये हमारे लिए, देखिए अब आपको कई बार मैं यहां पे प्लस का साइन आना था तो मैं इसको वापस से कर देता हूं प्लस 1. आप ज्यादातर केस में देखो 1 मल्टीप्लाई नहीं करे तो भी चल जाता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, वो नंबर सेम रहते हैं. नेक्स्ट करते हैं, आई होप ये इजी है. देखिए सेकंड जो क्वेश्चन आता है ना वो रिवर्सिंग से रिलेटेड है, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. डिजिट रिवर्स करने का मतलब है कि भाई 37 है ना, इसके वंस प्लेस को तो टेंस बना दो, यानी कि ये वंस है ना, देखिए यहां पे जाके ये टेंस प्लेस बन गया, और जो ये था ना टेंस प्लेस पे इसको वंस बना दिया, इसको कहते हैं रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट. अगर मैं आपको बोलूं कि 81 को डिजिट रिवर्स करने पे क्या बनेगा, 18 बन जाएगा. अच्छा थ्री डिजिट में क्या होगा, देखिए ये 100 प्लेस है तो 100 प्लेस वाला है ना वो वंस प्लेस बन गया, आपने नोट करा, और जो टेंस वाला है तो आपने ये नोट करा कि मैंने सही करा है, तो 835 है, ये 538 है, बिल्कुल ठीक है, ये बीच में आ जाएगा, और ये जो था वंस प्लेस पे ये बन जाएगा 100 प्लेस. इसमें क्वेश्चन है कि कौन से डिजिट की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो आपको कहोगे थ्री की पोजीशन चेंज नहीं हुई, राइट? क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए खुद कह रहा है कि इस क्वेश्चन में फाइंड द रिवर्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग. मैं ये अगर इसमें से 462 का अगर मैं लिखूंगा तो 462 का जो रिवर्स नंबर होगा वो 264 होगा, इस तरह से आप लिखोगे. प्लीज डोंट राइट इक्वल टू साइन, कई बच्चे इसको जल्दी जल्दी में इक्वल टू लिख देते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, सो ये आपको नहीं लिखना है, ये है ये करेक्ट है. 58 का अगर हमसे रिवर्स कराने के लिए पूछे तो वंस प्लेस वाले को टेंस बना देंगे, टेंस वाले को वंस बना देंगे, सो दिस इज द राइट वे. सेकेंड भी हो गया, अब थर्ड करते हैं. देखिए भाई मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आ गया, ये पजल है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा ना वो शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, लॉन्ग नहीं है. लॉन्ग मेथड जो है वो आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और क्लास 10th में भी पढ़ाएगा टीचर, लेकिन मैं आपको दो सेकंड का मेथड बताऊंगा, एक कर देता हूं, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, कहते हैं सम ऑफ टू डिजिट नंबर वो 7 है, एक काम करते हैं पॉसिबल नंबर बताइए, जो पॉसिबल नंबर हैं वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, जिनका सम जो है ना वो 7 होना चाहिए,
पॉसिबल नंबर जिनका सम 7 है, तो 1 और 6 भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा 2 5 भी हो सकता है, तीसरा 3 7 भी पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा है ना, कहता है कि इफ डिजिट आर रिवर्स, इन्हीं को है ना, यहां पे मैं जो नेक्स्ट कॉलम बना लेता हूं, ये कॉलम मैंने बनाया रिवर्सिंग, रिवर्स डिजिट नंबर, रिवर्स डिजिट करने के बाद जो नंबर बनता है ना वो लिखते हैं। भाई 1 और 6 का क्या हो जाएगा, 61, 2 और 5 का क्या हो जाएगा, 52, और 3 और 4 यानी 34 का क्या हो जाएगा, 43। देखिए अब इसमें मैं 52 नहीं लिखा क्योंकि 52 यहां पे आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, कहता है कि क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कहते हैं जो नया नंबर बनता है ना सो फॉर्म, वो डिक्रीज बाय 27। हमसे अगर आपने नोट करा, ये कह रहा है कि जो ओल्ड नंबर, और ओल्ड नंबर जो है और जो न्यू नंबर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 27 है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। आप याद रखना, डिफरेंस जो है उसका मतलब होता है बिगेस्ट नंबर, बिगर पहले आएगा हमेशा डिफरेंस में और स्मॉलर बाद में आएगा, उसका मीनिंग डिफरेंस होता है। सब्ट्रैक्ट है वो थोड़ा अलग होता है, सब्ट्रैक्ट में कोई भी ऑर्डर चलेगा, मतलब जो लिखा है वो ऑर्डर आएगा। इनका डिफरेंस क्या भाई, 16 को 16 में से माइनस किया मैंने तो आया यहां पे 45, तो इसका जो डिफरेंस आया वो 45 आया। सेकेंड वाले में देखें, 52 और 25, इनका जो डिफरेंस किया मैंने, ये 12 में से 5 गए, 7, 4, 27 आया, राइट। और इसका जो डिफरेंस किया 43, और ये डिफरेंस आया 9। अब आप बताइए, एज पर क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन है, कहता है न्यू नंबर जो है वो डिक्रीज होता है 27, तो 27 तो एक ही केस में आ रहा है, ये है 27 वाला, इसका मतलब जो हमारा नंबर है ना वो नंबर क्या होगा। अब देखिए, अब दो ऑप्शन है कि बच्चे लिख देंगे सर 25 होगा क्या नंबर, नहीं, आपने नोट करा ये क्या कह रहा है, कहता है नया नंबर जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो ओल्ड नंबर है वो बिगर है, एग्री, और नया नंबर है वो स्मॉलर होना चाहिए ना, तो इसमें नया नंबर जो हम लेंगे ना और ओल्ड नंबर लेंगे तो उसमें इसमें 52 होगा हमारा आंसर, 25 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही 52 को रिवर्स डिजिट किया ये 25 बना, और 25 बनने पर जो डिफरेंस आया ना ओल्ड माइनस न्यू, वो हमारा 27 आया। ये मेथड जो है ये आपको मैंने बताया है, लेकिन इसका लॉन्ग मेथड है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में टीचर कराता है, बट यहां पे हम शॉर्टकट ही करेंगे। पहला जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना, बड़े काम के। नेक्स्ट ले लेते हैं, देखिए भाई, थर्ड जो है ये मैं अक्सर पजल पूछता हूं बच्चों को मॉनिटर बनाने के लिए, नंबर पजल, बहुत ही बढ़िया आईक्यू एक्सरसाइज है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स, ये ध्यान में रखना, जो लेटर ए बी सी डी है ना, ये ए है, ये सिंगल डिजिट है इनकी वैल्यू, सिंगल डिजिट का मतलब है 10 नहीं होगा कभी इनकी वैल्यू, क्या हो सकता है, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8, यानी कि सिंगल डिजिट होगा, ठीक है। अब कहता है कि इस तरह से निकाल बताइए कि सम करने पे, मैं एक काम करता हूं, इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूं और एक थर्ड करा देता हूं, इजी वन। सर मेथड को ये मैं यहां पे हीट एंड ट्रायल कर बताऊंगा आपको। कहते 5 में क्या ऐड करें कि ए की वैल्यू क्या आए कि यहां 2 आए, रफ साइड में आप बताइए मुझे, 5 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो क्या आता है, 6 आता है, लेकिन 2 तो नहीं आ रहा, 2 ऐड करता हूं तो क्या आता है, 7 आ रहा है, यानी कि आपको खुद ही पता लगेगा कि क्या ऐड करने पर, यानी कि 3 ऐड करने पर 8 आ रहा है, 4 ऐड करने पर 9 आ रहा है, 5 में 5 ऐड करें तो लास्ट में 10 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि आप ध्यान दो तो यहां 7 रख देते हैं तो 7 प्लस 5 12, 1 कैरी आ गया, 1 कैरी हुआ तो 3 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ए की वैल्यू जो है वो 7 आई मेरी और बी की वैल्यू ये 6 आई, ये मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन में आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं, कैसे, ये 3 है मैंने यहां पे 7 निकाला आंसर, और ये 2 और 5 है और यहां पे वैल्यू निकाली मैंने 6, तो चेक करते हैं कि भाई आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, सो दिस इज आंसर।
इसको आप हिट एंड ट्रायल से कर लोगे वो ज्यादा बेटर है। अब आ जाते हैं किससे मल्टीप्लाई करें। देखिए 1 × 1 करने पे 1 तो आता है, लेकिन यहां पे 9 आ रहा है तो 1 वाला नहीं चलेगा। 2 × 2 करने पे लास्ट में 2 थोड़ी आता है, 4 आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से अगर आप ट्राई करते रहते हो तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 6। अगर मैं लिख दूं और 6 यहीं पे भी 6 आएगा, फिर यहाँ पे भी 6 आएगा, और आप मल्टीप्लाई करके देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, 96 आंसर, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ 6 आ गई। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ये याद रखना है अगर ए यहां 6 है तो ए यहां पे भी 6 होगा, जहां जहां ए है वहां पे वो वैल्यू रिपीट करेगी। ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, और आपके लिए मैंने ना अगली स्लाइड पे सेम इस तरह के क्वेश्चन रखे हैं। देखिए ये आपको मैं कहूंगा कि वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप सारे ट्राई करोगे। और सबसे ज्यादा बच्चे बताऊं किस में अटकते थे, 7th क्वेश्चन में अटकते थे। आप भी वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। मैं आंसर बताता हूं, पहले वीडियो पॉज कर लीजिए। अगर बी की वैल्यू, देखिए मैं यहां पे बी की वैल्यू बता रहा हूं, ये 4 हो जाता है, बी की वैल्यू 4 हो गया, 6 × 4 = 24 ही आएगा, 2 बचा। देखिए यहां ऑटोमेटिकली 4 आना चाहिए। अब मेरे पास 2 कैरी है, इस 6 को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू 7 होगा, तो मेरा जो आंसर है ना वो आया 74 × 6, और ये 74 × 6 करोगे सो ये आंसर है। तो ए की वैल्यू यहां पे आ गई 7 और बी की वैल्यू यहां पे आ गई 4, ये आंसर है। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आई होप सर, कई बच्चे कहते हैं सर आंसर आप बता नहीं रहे हो, आंसर आप खुद क्रॉस चेक कर लोगे वैल्यू पुट करके। सर मोर देन वन आंसर पॉसिबल है? यस, कुछ केस में, नॉट ऑल, मोर देन वन आंसर पॉसिबल है, मोर देन वन आंसर कुछ केस में पॉसिबल है, ये याद रखना। कई बच्चे मेरे पास लेके आते हैं, ठीक है नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे ओवर हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है बिना डिवाइड किए ये पता करना कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं 2 का बताता हूं भाई, क्या होता है 2 का। अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 कोई भी डिजिट आ जाए ना, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भाई 76 डिविजिबल है, लास्ट में 6 है ना, आंसर हो गया यस ये 2 से डिविजिबल है। कोई आपसे कहे कि भाई 3, 2, 0 डिविजिबल है 2 से, लास्ट में 0 आ गया, आंसर होगा यस, आप देखते ही बता दोगे। अगर कोई आपसे कहे कि भाई 9, 1, 3, देखिए लास्ट में 3 आ गया, तो आप लिखोगे इट इज नॉट ए डिविजिबल बाई 2। पता है डिविजिबिलिटी टेस्ट टाइम सेविंग होते हैं, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही हमारे एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। डिविजिबिलिटी 3 का और 9 का एक जैसा है, क्या मेथड है, कहते हैं जितने भी डिजिट है ना उनका सम निकाल लीजिए। कैसे निकाल लीजिए सम, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको कोई पूछा किसी ने कि भाई 7, 2 और 6 ये डिविजिबल है क्या, आप सम करिए इनका, 7 + 2 + 6 करा आपने और ये आपका आंसर आया 15। 15 3 की टेबल में आते हैं तो आप लिखोगे 15 comes in 3 टेबल, ये 3 से डिविजिबल है, कम्स इन 3 टेबल। अगर ये 3 की टेबल में आता है तो आप आंसर लिख दोगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये आंसर ये 3 से डिवाइड नहीं होता ना इनका डिजिट का सम, तो नो। एक और ले लेते हैं, देखिए ये है 7, 1 और 3, मैंने इसका सम निकाला, तो सम निकाला तो 7 + 1 + 3 आया ना, सॉरी ये मैंने ऐड करूंगा तो ये आ गया 11। 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सीधा लिख देंगे आंसर नो। आगे चलते हैं, फोर्थ। देखिए कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, इफ द 2 लास्ट डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। कैसे भाई, एक बड़ा नंबर है 7, 1, 2, 4, अगर इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, भाई 24 डिविजिबल है, 24 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, आंसर है यस इट इज डिविजिबल बाय 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लास्ट में 2 जीरो भी आएंगे ना तो भी यस लिखोगे। कैसे, अगर कोई आपसे कहे भी 104 से डिविजिबल है, आप लिखोगे यस। लेकिन अब ये देखते हैं 7, 3, 0, लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 3।
30 है, 34 डिविजिबल है? नहीं है, तो आंसर नो हो जाएगा। आई होप 4 का भी आपको पता लग गया होगा। ओ बच्चे कभी 5 हो का कभी नहीं बोलते। अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, उस केस में नंबर इज डिविजिबल बाई 5। फॉर एग्जाम्पल 75, आंसर इज यस, ये डिविजिबल है। लेकिन मैं 73 पूछूंगा, आप लिख दोगे नो। और अगर मैं 80 पूछूंगा, अगेन आप लिखोगे यस, बिकॉज लास्ट डिजिट 0 आ रहा है। अब सबसे जो इसमें इस स्लाइड का लास्ट है 6 का, देखिए 6 के फैक्टर करते हैं ना, तो 6 के फैक्टर करते हैं तो दो फैक्टर आते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3। इसका मतलब 6 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 बोथ दोनों से होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से हो जाए और 3 से नहीं हो जाए तो वो 6 से भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 720 बताइए, 720 लास्ट में 0 है तो 2 से तो यस है। अच्छा फिर लास्ट में इनको ऐड करके देखा तो 9 आया, यानी से 3 से भी यस है। अब 2 और 3 अगर दोनों यस कहते हैं ना तो 6 से ये यस होगा। लेकिन अगर एक ने भी नो कह दिया तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। कैसे देखिए, अगर मैंने यहां पे लिखा 7, 6 और 0, लास्ट में 0 है तो 2 ने तो यस बोल दिया। लेकिन जब मैंने 3 का चेक करा ना, 7, 6 प्लस में 0 करा तो 13 आया, और 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो नो आ गया। नो आ गया तो एक नो और एक यस में 6 का भी नो हो जाएगा, यानी कि 6 के लिए दोनों नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। फिर कई बच्चे कहते हैं सर 7 का कहीं कोई टीचर नहीं बताना। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता तो है, बट वो लेंथ ही होता है। अब उससे अच्छा है तो डिवाइड करके देख लो। हमारा काम डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता है क्या है? टाइम बचाना। लेकिन ये इतना लेंथी है कि उससे अच्छा कि 7 से डिवाइड करके देख लीजिए उस नंबर को। अब नेक्स्ट करते हैं 7 के बाद जो आता है, यानी कि 8। देखिए अगेन जो क्वेश्चन है, 8 और 4 का एक जैसे लगेगा, बस यहां पे लास्ट के 3 डिजिट है ना वो 8 से टेब डिवाइड होने चाहिए। कैसे भाई? या तो 3 डिजिट हो, और एक शॉर्टकट बताता हूं, या लास्ट में 3 जीरो हो। ठीक है, कैसे? देखिए भाई ये मैंने लिखा 7, 1, 2, 4, 0, लास्ट के 3 डिजिट 240 हैं। अब 240 को आप फटाफट राइट साइड में लिख के डिवाइड करो 8 से। 8 3 = 24, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो 8 से यस हो जाएगा। लेकिन एक और ले ले, अगर आपने यहां पे ले लिया 9, 2, 7 और ये ले लेते हैं 0, हमें क्या करना है, इन तीनों डिजिट को डिवाइड करके देखना है। 270 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो 8 3 = 24 और ये आया 30। अब 30 से तो 8 डिवाइड नहीं होता, यानी कि 8 3 = 24 ही आ गया और 6 बचा है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 8 से नो, 8 से डिजिबल नहीं होगा। 4 में 2 डिजिट थे, 8 में होते 3 डिजिट। 9 का अगेन मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं क्योंकि हमारे इस चैप्टर में 3 और 9 का ही है। कोई भी नंबर 9 से तब डिविजिबल होगा अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा 7, 1, 2, 8, तो इसका डिजिट का सम निकाला मैंने सबसे पहले, तो 7 + 1 + 2 + 8 और ये आंसर है 18। 18 9 से डिविजिबल है, यस, तो इट इज डिविजिबल बाय 9। अगर मान लो एक और केस ले लेते हैं जहां पे ये मैंने पूछा 3 2 7 5। अब ये डिजिट का जब मैंने सम निकाला ना, 3 + 2 + 7 + 5, तो ये 17 आया, तो 17 9 से डिविजिबल होता है? नो, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। आई होप 9 का क्लियर हो। एक शॉर्टकट बता दूं आपको जो मैंने एक कंपिटेटिव बैच में बताया था, वो ये है कि कोई आपको कहे ना कि ये नंबर चेक कीजिए कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 9 से, तो वो डिजिट आप कट करते जाइए जिनका सम 9 है। लास्ट देखो 8 और 1 9 होगा, कट कर दीजिए। 2 और 7 9 होगा, कट कर दीजिए। ये 9 होगा, कट कर कर दिए, आंसर यस आएगा। एक और बार बताऊं, लेकिन आपको ये आ जाएगा 3 2 7, राइट? अब ये बताइए 7 और 2 तो कट करें,
लास्ट में ये बच गए ना भाई, कट किसको करना है, जिनका सम 9 हो जाता है, इस केस में आंसर 9 हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है। 10 का मैं कभी क्लास में डिस्कस नहीं करता, बहुत इजी है। अगर लास्ट डिजिट 0 है, ये 0 है, यस, ये डिविजिबल होगा, नो। ध्यान रहे, 0 बोला है मैंने, 5 नहीं बोला। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट का लास्ट पॉइंट है 11 से डिविजिबल, बहुतों को नहीं पता लगता। मैं आपको इस डेफिनेशन से नहीं, अपने मेथड से बताता हूं। मेथड क्या कहता है कि भाई ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है ना, अल्टरनेट ले लो, 1 के बाद ये नेक्स्ट लो, ठीक है, और उसके बाद सेकंड और फोर्थ डिजिट ले लो, इनको ऐड करो। जो अल्टरनेट वाले लिए, यानी कि जो ओड प्लेसेस, ओड नंबर नहीं बोला मैंने, ओड प्लेसेस वाले लिए, ठीक है, इवन प्लेसेस वाले लिए, वो भी बाय चांस 3+1 है, अभी इसका भी 4 आया, इसका भी 4 आया, और फिर निकाल लो डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है इनको माइनस करके देखो, अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो उस केस में नंबर डिविजिबल होगा, तो यहां पे लिख दो यस। एक और केस ले भाई, एक और नंबर ले लेता हूं मैं, एक और नंबर लिया मैंने 7 2 8 3 2 5। मेथड क्या कहता है, 7 के बाद 8 कॉलम बना लेते हैं, 7+8, 8 के बाद 2, ये मैंने 2 लिया, तो इनको सम क्या, तो 17 आया। एग्री। अब मैं क्या करता हूं, जो बच गए उनको भी करके देखता हूं। बचा क्या, यहां से 2 3 और 5, 2 3 और 5 इनको ऐड करा, इनको ऐड किया तो 11 आया। फिर मैं तीसरे कॉलम में क्या कर रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं। डिफरेंस में बड़ा नंबर पहले लिखना आप, डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, डिफरेंस 6 आ गया, लेकिन कंडीशन तो कहती है या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, यहाँ पे लिख दोगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई 11। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब मैंने क्वेश्चन करता हूं, ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं होमवर्क, सेकंड और थर्ड मैं बता देता हूं। कहता है कि भाई 3 1 जेड, ये जो जेड है ना मैं यहां पे बॉक्स में डाल लिया, और ये 5 है। कहता है कि ये मल्टीपल है 9 का, मतलब मीनिंग ये है कि इट इज डिविजिबल बाय 9, फाइंड जेड। सबसे पहले इसका सम ऑफ निकालिए, 3+1+5, और यहां पे जेड लिखा मैंने, और जेड करा तो ये आ गया 9+z। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। देखिए अब आपको पता है सम जो है ना वो क्या होना चाहिए, 9 की टेबल में आना चाहिए। 9 की टेबल होती है 9 18, तो मैं जेड में अगर 9 बनाना चाहता हूं तो जेड में यहां पे क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। एग्री। 9+0 रखूंगा तो 9 आएगा ना, इसका मतलब जेड की वैल्यू एक मिल गई मुझे, 0। अगर जी जेड 0 है तो ये पर्टिकुलर नंबर 9 की से डिवाइड होगा और 9 का मल्टीपल होगा। 18 रखने के लिए तो मुझे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, यानी कि 9 रखना पड़ेगा, यानी कि 9 में अगर मैं 9 और रख दूंगा तो मेरा डिजिट क्या आ सकता है, 18 आ सकता है। तो सेकंड जेड की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है, वो 9 भी हो सकती है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 3 ले लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है कि भाई 2 4x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मीन इसका मीनिंग ये है कि इट इज डिविजिबल बाय 3। तो 2 4 ये x है ना, ये वंस प्लेस डिजिट गायब है, तो करना क्या है, सम निकाल लीजिए। 2+4+x का सम निकाला, ये आ गया 4+2 6+x। 3 से है तो 3 की टेबल क्या कहती है, 3 6 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। अब देखिए अगर मुझे इसका सम 3 बनाना है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सम 6 बनाने के लिए, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू यहां पे मुझे सम क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो यहां पे x की वैल्यू 0 आ सकती है। राइट। क्यों, क्योंकि 6+0 रखने पर 6 बनता है, तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 0। फिर मुझे अगर 9 बनाना है, यहां पे 6+x 9 कब बनेगा, जब मैं 3 रख दूंगा यहां पे, ठीक है, तो 9 बन सकता है, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 3।
अच्छा फिर 12 बन सकता है, ये 6 प्लस 6 अगर रखा जाए तो 12 बन सकता है, तो इसका मतलब x की तीसरी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 6 रख दें तो भी बन जाएगा, और 6 के बाद एक और वैल्यू रख सकती है, अगर x की जो यहां पे 9 रख दूं मैं तो सॉरी यहां पे मैं लिखूं 6 प्लस 9 तो 15 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू मैंने 4 निकाल दी। यहां पे हमसे पूछा गया था फाइंड x की पॉसिबल वैल्यूज, एक्स इज ए डिजिट है, तो मैंने एक नहीं चार आंसर आपको बता दिए, 0 रखे हुए तो भी काम करेगा ये। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं, डिविजिबल टेस्ट ओवर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हमारा लास्ट टॉपिक है। ये मेंटल एबिलिटी में पूछा जाता है जनरली, जितनी भी मेंटल एबिलिटी की क्लासेज है ना उनमें ये बहुत पूछा जाता है, तो मैं ये समझा देता हूं। एक चैप्टर है मेंटल एबिलिटी कोडिंग डिकोडिंग, चैप्टर क्या कहता है, डिकोडिंग होता क्या है, कोड जो होता नहीं, जिस सिस्टम ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज थ्रू सिग्नल्स। एग्जांपल से समझाता हूं, कहता है कि भाई अगर ए इज कोडेड एज 1, देखिए आप ध्यान दीजिए यहां पे, ए अगर कोडेड है 1, मैंने कोडिंग की है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है ना ए। बी इज कोडेड एज 2, जो बी है वो सेकेंड नंबर पे आता है, तो बी इज कोडेड एज 2। फिर हमें कहता है फेस बताइए इस लैंग्वेज में क्या होगा, तो मुझसे फेस का नंबर पूछा है, तो एफ ढूंढते हैं, ये रहा एफ की वैल्यू, यहां से कितनी हो जाएगी 6। ए की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, हमने पहला ही ए है 1। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू यहां से आ गई 3, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी 5। ये मेरा आंसर है। आपको ये टेबल रफ में लिख लेनी है, ये तो मैंने राइट इन रफ सो दैट कि आपका टाइम बच जाए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका, लेकिन क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन अलग आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या आ गया, कहता है किसी लैंग्वेज में एप्पल इज कोडेड एज 25563। आपने नोट किया एप्पल को क्या करा इसने, ए को 2 बना दिया, 1 नहीं बनाया यहाँ पे, पी को 5 बनाया है, पी दोबारा आया है तो 5 ही है। और एक चीज बोल रही है आर यू एन जी रंग इज कोडेड एज दिस 1, 2 दे रखे हैं हमें। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद में रखना कि इन दोनों को आप इस तरह से लिख लोगे ना, हमसे पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज अ कोड फॉर पर्पल, PURPLE, इसका हमें कोड निकालना है, तो हमें वो टेबल जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये टेबल है ना गिवन, इनसे मिल जाएगा हमें। देखिए P, तो P का तो मुझे यहां से मिल गया, P का मिल गया मुझे 5, ये मैंने 5 लिख लिया। U, U का मुझे यहां से मिल गया, U मुझे मिल गया यहां से 1, ठीक है। R, R ये रहा मेरा, R मुझे यहां से क्या मिल गया 7, फिर P कितना है यहां से 5, L देखिए L मुझे यहां से मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L 6, E की वैल्यू यहां पे कितना है 3, सो दिस इज आंसर 51753। आई होप ये आपके लिए इजी है। सो नाउ वी विल टॉक लास्ट स्लाइड ऑफ आवर द वीडियो, ये आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है। ये होमवर्क क्यों दे रहा हूं, सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको। ये कहते हैं डी अगर 4 है, देखिए वापिस से वही आ रहा है, डी अगर 4 है कवर 63 है, ये समझा देता हूं पहले। ये मैंने सॉरी होमवर्क इसको दे देता हूं, ये मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, सेम किया ना रीजन का। आपको क्या करना है, लिखना ऐसे है कि भैया ये है REASON, इसी के नीचे लिख लिए 621754, और ये जो ट्रूथ है ना इसका आप साइड में लिख लीजिए 86983, लिख लिया। आई थिंक इसकी हेल्प से आप ये निकाल लोगे TERESON। सो मैं आपके ऊपर ये आंसर छोड़ता हूं, आई होप यू कर लोगे। लास्ट ऑफ द वीडियो ये बता देता हूं, देखिए कवर 63 कैसे आया, पहले इस कोड को डिकोड कीजिए। तो मैंने क्या करा, मैं इसको ना कवर को ये पता करता हूं ये 63 आया कैसे। सी डी 4 है, इसका मतलब सी की वैल्यू 3 है, तो मैंने यहां पे 3 रखा। 0 जो है ना सॉरी ओ जो है, ओ की वैल्यू यहां पे कितनी है 15 है, तो मैंने ओ की जगह पे 15 रखा। वी वी की वैल्यू मैंने यहां से कितनी ली है 22 ली है, तो मैंने 22 लिया। ई की वैल्यू यहां से कितनी ली है 5 लिया है। आर की वैल्यू यहां से कितनी ली है, आर यहां से 18 है। मैंने इनको ऐड करा तो पता लगा कि 63 आ रहा है, इसका मतलब मुझे एक डी कोड मिल गया, कोड ब्रेक कर दिया मैंने कि भैया इनको ऐड करना है। जब मुझे पूछा गया था कि बेसिस का क्या होगा,
तो मैं क्या करूंगा, इनके जो बी का नंबर है वो लिखूंगा, ए का नंबर है वो मैं लिखूंगा, और एस का नंबर लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद आई का नंबर लिखूंगा, और फिर वापिस एस का ना नंबर लिखूंगा, और ये नंबर लिखने के बाद इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये आपको पता लग गया हो। ये आपने एंजॉय किया होगा, बहुत इजी चैप्टर है। नाउ थैंक यू वेरी मच।